राज्यसभा से विदाई लेते समय नरेश गुजराल ने कहा कि मैं 15 साल बाद संसद में अपने सभी दोस्तों को विदाई देने के लिए आया हूं। आज मुझे अपने दादा A.N. गुजराल की याद आ रही है, जो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन 1947 में देश के विभाजन के मद्देनजर भारत चले गए। वह हमेशा कहते थे, कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि आगे देखें और भविष्य में आपके लिए कुछ बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में 15 वर्षों तक एक बहुत ही संतोषजनक पारी मिली। मैंने अपने पिता की सलाह ली, जिन्होंने संसद के पहले दिन मुझे बताया था कि आप वहां विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं और अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों से दोस्ती करने जा रहे हैं। अगर आप अपने साथियों का सम्मान और दोस्ती अर्जित करना चाहते हैं तो कुछ बुनियादी मंत्रों का पालन करें। कभी कठोर मत बनो, कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, अपने मन की बात कहने से कभी ना डरें। जब आपको करना हो तो विरोध करें, लेकिन सदन को बाधित ना करें। आखिरी कभी भी संसद के वेल ऑफ हाउस में प्रवेश ना करें। उन्होंने कहा कि मैंने उन आदर्शों पर खरा उतरने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है या आहत किया है तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैं इस अवसर पर अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं, जो हमेशा एक गुरु की तरह रहे हैं और वर्षों से मुझ पर इतना स्नेह बरसाया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। इसके साथ ही मैंने उपाध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे प्रति हमेशा इतने दयालु रहे हैं।